गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसी सिचुएशन इनकम टैक्स में आ जाती है कि जहां पे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेज ऑन द वेबसाइट, एसएससी को बहुत सफर करना पड़ता है। कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ ऑर्डर्स लेट आते हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए एसएससी को रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होती है, लेकिन रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल चुका होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी एसएससी को बहुत लंबी लंबी लिटिगेशंस को बियर करना पड़ता है। ये केस 441 आईटीआर पेज नंबर 307 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 29 सितंबर 2021 को रिपोर्ट हुआ। मैटर इस फैक्ट पर निर्भर है कि एसएससी जो है वो एक डीमर्जर के अंदर था, क्योंकि एसएससी जो है वो एक लिमिटेड कंपनी है और एसएससी का डीमर्जर हो रहा था। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, एनसीएलटी ने डीमर्जर को अप्रूव कर दिया और अप्रूव करने की वजह से एसएससी को जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो रिवाइज करनी थी। लेकिन जब तक डीमर्जर का ऑर्डर आया, रिवाइज रिटर्न का जो है वो टाइम निकल चुका था। एसएससी ने ई निवारण जो कि साइट है जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हैं, उसके ऊपर अपनी इस इशू के बारे में लिखा कि साहब मैं अपनी रिवाइज रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरी रिवाइज रिटर्न को पोर्टल जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है और मेरा जो डीमर्जर का ऑर्डर है वो उसके टाइम बारिंग के बाद आया है, तो कृपया करके मुझे ये रिवाइज रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाना चाहिए, जो कि मेरा एक लेजिटिमेट राइट है। लेकिन एज यूजुअल जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे टेक्निकल केसेस के अंदर रिस्पांस मिलता है, एसएससी को कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो एसएससी के पास कोई और चारा नहीं था। एसएससी ने अपनी रिवाइज रिटर्न जो है वो मैनुअल फाइल कर दी असेसिंग ऑफिसर साहब के पास, और जब अपनी रिवाइज रिटर्न मैनुअल फाइल करी तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने इस रिवाइज रिटर्न को नहीं माना। उन्होंने कहा साहब ये टाइम बारिंग है और ये मैनुअल है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और जो भी एडिशंस करने थे उन्होंने वो इन एडिशंस को कर दिया। तो एसएससी जो है वो इन एडिशंस के अगेंस्ट जो है वो गुजरात हाईकोर्ट के पास था, तो गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा कि एसएससी ने अपने पार्ट का लेजिटिमेट पार्ट पूरा कर लिया था, उसने ई निवारण पे लिखा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो द एसएससी हैज लेफ्ट विद नो ऑप्शन टू फाइल द रिवाइज रिटर्न मैनुअली, तो द डिपार्टमेंट हैज टू एक्सेप्ट दिस रिटर्न एंड द असेसमेंट ऑर्डर विच वॉज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न वॉज क्वेश्चन बाय द हाईकोर्ट एंड डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू एक्सेप्ट द रिवाइज रिटर्न ऑफ द एसएससी। फ्रेंड्स, इस केस से जो मेरा सबसे बड़ा इंटेक है वो ये है कि जब कभी भी कोई हमें इशू आता है तो हमको उस इशू को लेकर बैठ नहीं जाना चाहिए। हमें एटलीस्ट जो भी हमारे पास इशू है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसको हमको जितने भी हमारे नॉन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमें सीबीडीटी को चिट्ठी लिखनी हो, चाहे वो हमें ई निवारण पर लिखनी हो, चाहे वो सीपी ग्राम पर लिखनी हो, चाहे वो आईटीओ को लिखनी हो, एटलीस्ट हमको अपनी चिट्ठी लिखनी जरूर चाहिए, अपनी एप्लीकेशन लिखनी जरूर चाहिए। जैसा कि इस केस में हुआ, यदि एसएससी ने ई निवारण पर नहीं लिखा होता तो कोर्ट भी ये कहते हैं कि साहब आपने सबसे पहले अपनी ग्रीवेंस डालो तो सही, यदि वो रिस्पॉन्स नहीं दे तो आप हमारे पास आना। तो इन दिस केस द एसएससी हैज ऑलरेडी डन इज होमवर्क एंड आफ्टर दैट व्हेन द रिस्पांस वाज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द ई निवारण द एसएससी फाइंड द रिटर्न मैनुअली, ऑल्दो देर इज नो प्रोविजन ऑफ फाइलिंग द रिटर्न मैनुअली, इवन देन द हाईकोर्ट एक्सेप्टेड द रिटर्न विच वॉज फाइल्ड मैनुअली बाय द एसएससी। सो इट मीन्स दैट इट गिव्स द इंडिकेशन दैट बिफोर गोइंग टू फॉर द रिट पिटीशंस, वट एवर द avenues which are available to the assessee, what are the options which are available to the assessee should opt for them and exercise his right of at least going there. Because if without exhausting those remedies, if we will go to the court through the writ petitions will not be entertained. So this is a very welcome judgment in those cases where the assessee is trying its level best to resolve his issues through writing to the various forums of the income tax department and the department is not responding to them. So, the assessee in this particular case has left with no option just to file the revised return manually, and the High Court directed the assessing
डिपार्टमेंट और द असेसिंग ऑफिसर्स टू एक्सेप्ट द रिवाइज रिटर्न विच वॉज फाइल्ड बाय द असेसी मैनुअली. सो फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी वेलकम जजमेंट बाय द गुजरात हाईकोर्ट, बिकॉज दिस टाइप ऑफ जजमेंट्स वेन कम दे आर वेरी हेल्पफुल इन डीलिंग विद दोज केसेज इन विच बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजन्स द डिपार्टमेंट द असेसी इज नॉट एबल टू एक्सरसाइज हिज लेजिटिमेट राइट्स. फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस. द नेम ऑफ द केस इज दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड दिस केस हैज बीन डिसाइडेड ऑन 29 सेप्टेंबर 2021. थैंक यू फ्रेंड्स.